वो जाएगा तभी तो कोई दूसरा आ पाएगा। तो उतारियो तो जो जिसका जाना है उसके लिए तो बहुत कष्ट सहन करना पड़ेगा ना कि नहीं। किसी को अपने से अलग करना, किसी को दूर करना तो आसान नहीं है, बहुत कठिन है ये तो। और किसी को अंदर लाना भी तो बहुत कठिन है। एक नए किसी को जन्म देना आपने, माँ की पीड़ा कितनी है देखो, उस लड़की की पीड़ा जो माँ बनती है, माँ की पीड़ा तो नहीं है, माँ का मान आता है, लेकिन उस लड़की का तो पीड़ा है। वही पीड़ा आपने भीतर ध्यानी को होती है जब वो उसको बाहर निकाल के जो है उसको लेके आता है जो नहीं है। समझ रहे हो बात में अंतर? कमर को सीधा करके इस तरह से बैठो कि आपकी रीढ़ की हड्डी से सीधी लकीर बन जाए आपके सिर से लेके घूमने तक। दोनों आंखें कोमलता के साथ बंद रखें। आप कुछ भी हो जाए आपकी आंख न खुल पाए ऐसा प्रयास करें। लंबी सांस भीतर लें, लंबी सांस बाहर छोड़ें, सांस अंदर लें, बाहर छोड़ें, सांस अंदर लें, बाहर अंदर रोक दें सांस को, सांस को रोक दें यहाँ। छोड़ दीजिए, सांस का रोकना आप सीख गए हैं। अब हम थोड़ा सा ध्यान शुरू करेंगे। लंबी सांस निकल लें, रोक दीजिए, रोक दीजिए सांस को यहाँ। धीरे धीरे ध्यान शरीर के उस हिस्से में लगाइए जो शरीर का मूल हिस्सा है, जो शरीर का मूल बना हुआ है, मल द्वार और मूत्र द्वार के बीच का हिस्सा है वो, जहां से रीढ़ की बिल्कुल सीधी लकीर नीचे तक जाती है। श्वास को बाहर छोड़ दें, श्वास भीतर लें, बाहर छोड़ें, श्वास भीतर लें, बाहर छोड़ें, श्वास अंदर लें, रोक दें। अब दोबारा एक बार मल और मूत्र द्वार को बंद करके थोड़ी सी शक्ति लगाएं, इस तरह से शक्ति का ऊपर की तरफ आगमन शुरू हो, ऊर्ध्वगमन शुरू हो जाए शक्ति का। थोड़ा सा दबाव देना पड़ेगा, थोड़ी सी शक्ति लगानी पड़ेगी, फिर शक्ति अपने आप ही अपना काम करेगी। सांस को छोड़ दें। अभी तो ये क्रिया तब हुई जब हमने सांस को रोका, अब ये क्रिया तब होगी जब हम सांस को अंदर लेंगे, सांस को बाहर छोड़ेंगे और सांस को रोकेंगे और सांस को नहीं रोकेंगे। श्वास की कोई भी गति हो लेकिन अब हम इस क्रिया को कर पाएंगे। लंबी श्वास भीतर लें, श्वास को छोड़ दें बाहर, लंबी श्वास भीतर लें, रोक दें। अभी आपने दो द्वार शरीर के बंद किए थे थोड़ी सी शक्ति का प्रयोग करके, आप ऐसा करें कि आपके नौ के नौ द्वार बंद हो जाएं, दोनों हाथें नाक मुख कान और मल और मूत्र द्वार इस तरह से बंद हो जाएं कि थोड़ी सी शक्ति लगा के आप दरवाजा अंदर से बंद कर दिया आपने। एक दरवाजे के दो पक्ष होते हैं, एक अंदर का एक बाहर का। अभी तक आप इन द्वारों को बाहर से जानते थे, आप इसका दरवाजा भीतर से बंद कर दो। श्वास को छोड़ दीजिए, आप श्वास अंदर जाएगी और बाहर आएगी, लेकिन ये ध्यान की क्रिया सतत चलती रहेगी। मेरे बिना कहे हर बार हर श्वास में ऐसा प्रयास करें कि आपने नौ के नौ द्वार थोड़ी सी शक्ति लगा के बंद कर दिए। इस तरह से बंद कर दिए कि आप विचारों का मन में आना बिल्कुल ही खत्म हो गया। पहले ये संघर्ष होता था कि विचारों को रोके कैसे, लेकिन अब विचार तो जान कर भी अंदर आ नहीं पाएगा, प्रवेश कर नहीं पाएगा, क्योंकि नौ के नौ द्वार हमने बंद कर दिए। कमर को सीधा करके बैठेंगे तो थोड़ी आसानी होगी। अपने चेहरे की मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें,
चेहरे पर किसी तरह का कोई तनाव ना हो, कोई खिंचाव ना हो। धीरे धीरे सांस की गति को तेज कर दीजिए, तेजी से सांस भीतर लें, तेजी से सांस को बाहर निकालें और तेज कर दें इसको और तेज आवाज बढ़ जाए सांस लेने और छोड़ने की। और जोर से लगा दें सांस को अंदर लेने और बाहर छोड़ने में पूरी शक्ति लगा दें, थोड़ी सी भी कंजूसी ना करें, सारी शक्ति लग जाए सांस के अंदर और बाहर जाने में। और जोर से तेजी से आवाज आपको सुनाई दे आपकी सांस को लेने और छोड़ने की। और जोर से चेहरे पर किसी प्रकार का तनाव ना हो, खिंचाव ना हो। लेट जाइए, जहाँ बैठे हैं वहीं लेट जाएं, आंखें बंद रहें, दोनों आंख न खुलने पाएं, आराम से लेट जाइए। पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, दोनों हाथ दोनों पैर इस तरह से ढीले हो जाएं कि पूरे शरीर में कहीं भी शक्ति का अनुभव ना हो, सारी शक्ति को बाहर निकल जाने दें। अपने शरीर को एक शव की भांति हो जाने दें, एक शव हिल नहीं सकता, कोई हरकत कर नहीं सकता। जिस तरह से एक शव की स्थिति होती है उस तरह से अपने शरीर को भूमि पर पड़ा रहने दें। देखिएगा दोनों हाथों दोनों पैरों को इस तरह से ढीला छोड़ें,
कि आपको शरीर का हल्कापन महसूस होने लगे। सभी मांसपेशियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। मन में विश्राम और शरीर में हल्कापन महसूस करें। थोड़ी सी भी शरीर में शक्ति बचाकर रखी है, उसे बाहर जाने दें। ज्यादा इस बात की परवाह न करें अगर आपके हाथ पैर किसी दूसरे से छू रहे हो तो। बिल्कुल ही आरामदायक स्थिति में आ जाएं। शरीर के किसी हिस्से में खिंचाव और तनाव ना हो। अपने चेहरे की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। अपने चेहरे की मांसपेशियों को इस तरह से ढीला छोड़ें कि चेहरे पर कोई रिंकल्स ना बन पाए। किसी प्रकार की झुर्रियां आपके चेहरे पर ना हो। अपने माथे को ढीला छोड़ दें। दोनों हाथों को बिल्कुल ढीला कर दें। दोनों होठों को ढीला छोड़ दें। आपके चेहरे पर किसी तरह का कोई भाव ना हो। भावहीन हो जाए आपका चेहरा। सभी तरह के भाव समाप्त हो जाए। जब आपका चेहरा भावहीन हो जाएगा, आपका मन भी भावहीन होने लगेगा। अपने शरीर के आकार और बनावट के प्रति सजग हो जाए। शरीर को गौर से देख ले, नीचे से ऊपर तक। दोनों पैरों के अंगूठे, कंधे, घुटने।